Hi guys, welcome to my channel Style with Preeti. I hope you all are doing great, all are safe and healthy. So first of all, happy Karma Chauth to all of you. So guys, सबसे पहले मैं आप लोग को अपनी मेहंदी दिखाती हूँ. मैंने इस बार मेहंदी में काफ़ी स्पेशल चीज़ बनवाई है. सो मैं आप लोग को दिखाती हूँ. ये देखिए, ये है वो स्पेशल चीज़ जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है. लड़की बनी है वो छन्नी लिए हुए. सो मैंने लगवाया है. एंड यहाँ पे हैप्पी करवा चौथ भी लिखवाया है. सो इस पर काफ़ी डिफरेंट मेहंदी मैंने ट्राई की है. काफ़ी अच्छा कलर भी आ गया है. एंड इसके बाद मैं आप लोग को अपना सामान दिखाती हूँ. सबसे पहले थाली, मैंने इस बार फिर कुछ डिफरेंट थाली ट्राई की है. डिफरेंट थाली ली है, देखिए बहुत ही प्यारी इसमें बेसिक सी डिज़ाइन बनी हुई है, बहुत ही प्यारी. ये हमारे यहाँ फूल बोलते, फूल की थाली है. और एक मैंने न्यू करवा लिया है, जो पहले था मेरे पास वो पीतल का था. तो मैंने इस बार कुछ नया डिज़ाइन आया था तो मैंने वो करवा लिया है इस टाइप का. इसमें बहुत प्यारी सी यहाँ पे डिज़ाइन बनी हुई है. एंड ये भी फूल का ही करवा है. तो एक ये करवा रहेगा एंड एक जो रहेगा वो मिट्टी वाला रहेगा. एंड ये है छन्नी, इसमें हैप्पी करवा चौथ लिखा हुआ है, ये देखिए. एंड बहुत ही प्यारा सा ये लेस लगी हुई है. मुझे ना ऐसे लटकन जब आप ऐसे लो ना तो बहुत ही प्यारा सा लगता है लुक. सो ये मैंने लटकन लगा दी है. एंड इसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपनी ड्रेस जो मैंने इस बार ऑनलाइन मंगाई है. सो मैं इसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो सबसे पहले ब्लाउज़, तो ये देखिए इसकी ब्लाउज़ सिंपल सी है. एंड ये इसका लटकन बहुत ही अच्छा सा, वैसे तो बीबा के फैब्रिक का नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. एंड ये भी सिल्क मटेरियल है बट बहुत सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है पहनने में. और सबसे बड़ी बात, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जो बीबा के जो लहंगे आते हैं, जो स्कर्ट्स आती हैं, वो पहनने में बहुत कम्फर्टेबल होती हैं. प्लस आपको लुक और घेर भी उतना ही देती हैं. जो आपको कैन के साथ मिलता है, इसमें बिना कैन के मिल जाता है. क्योंकि जब आप कैन का लहंगा पहनते हैं तो पूजा करने में बहुत प्रॉब्लम होता है. तो ऐसे लहंगे में क्या, बैठ के पूजा करने में बहुत आसानी हो जाती है. सो ये इस टाइप की हाफ स्लीव्स की ब्लाउज़ है. आगे पीछे दोनों सेम है. और ये है इसका दुपट्टा, प्लेन नेट का दुपट्टा है. प्लस साथ में आपको ये बॉर्डर मिलेगा, ठीक है. तो ये नेट का दुपट्टा है, इसमें साइड में ये ऐसे लटकन लगी हुई है. एंड सबसे मेन चीज़ इसकी लहंगा, ये इसका लहंगा. अब मुझे इस पर बहुत मन था एकदम ब्राइट टोमेटो वाला रेड पहनने का, और मुझे ये पीस मिल गया एकदम मेरे मन का जैसा मुझे चाहिए था. एंड गाइस, ये सेम लटकन इसमें भी लगी हुई है. वैसे इसकी डिज़ाइन मैं फुल लुक आपको दिखाऊंगी जब मैं इसे पहनूंगी. अभी मैं इसे आप थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि मैं इसे पहनने वाली हूँ. आज कंगन लिए थे जो थोड़ा हैवी थे, तो मैंने सोचा उसमें प्लेन चूड़ियाँ डाल दूँगी तो वो अच्छा लगेगा. तो मैं आपको कंगन दिखा देती हूँ. ये ऐसे मैंने कंगन लिए हैं, ये 4 कंगन के सेट हैं. ये देखिए, एक ये रेड कलर है, एकदम ब्राइट रेड प्लस गोल्डन, एकदम मेरे लहंगे से मैचिंग है. एंड स्टोन वर्क वाली चूड़ी है. जब हम इन दोनों को मैच कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा सेट मिल जाएगा. एंड इसके साथ ही मैंने ये हाथ का भी एक ज्वेलरी निकाल के रखी है, जो मैंने अभी रिसेंटली परचेस की थी कुछ टाइम पहले. तो मुझे लगा कि ये ना इसके साथ काफ़ी अच्छा जाएगा, कुछ इस टाइप का. ये भी काफ़ी मैच कर रहा है पर्ल के साथ. पर्ल की डिटेलिंग इसकी बहुत ही प्यारी सी है गाइस. ये मैंने मीशो से मंगाया है बट क्वालिटी बहुत अच्छी है. मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप परचेस कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसा पसंद है तो. करवा चौथ वगैरह में ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, आपको लुक को इन्हेंस कर देती हैं. जो मैं इस बार ज्वेलरी पहनने वाली हूँ, हेयर दिस, मुझे ये ज्वेलरी ना एक नज़र में पसंद आ गई थी. मैंने ये ऑफलाइन शॉप से ली है. इस पैटर्न की आपको ऑनलाइन भी ज्वेलरीज मिल जाएंगी. तो ये देखिए, बहुत ही प्यारी. और सबसे अच्छी बात, खास बात इसकी ये है कि बहुत लाइट वेटेड है आपके कान में. वैसे तो ये स्टड लगा हुआ तो वैसे भी ज़्यादा कान पे आपके जोर नहीं पड़ता, बट उसके बावजूद ये बहुत लाइट वेटेड है. तो देखिए,
बहुत ही प्यारी सी इसकी स्कर्ट देखिए गाइस, बहुत अच्छा है। एंड ये जो आजकल झुमका ट्रेंडिंग पे है उस पैटर्न में ही है, बहुत ही प्यारा। इसके साथ ना मांग टीका का सेट है, मतलब कान का और मांग टीका का सेट है। मैंने सोचा है ना, वैसे तो नॉर्मली मैं हमेशा कर सकती हूँ, अपने बालों को जूड़ा बना लेती हूँ या फिर पोनी टेल कर लेती हूँ, बट इस बार सोचा मैंने अपने बाल को ना ओपन करके ये लगाना है। प्लस ये है इसका मांग टीका, तो हम जब इयरिंग और मांग टीका पहन लेंगे तो मुझे लगता है लुक अच्छा लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर पहन के देखते हैं कैसा लगता है। मैंने ना यहाँ पे दो प्रकार का सेट बनाया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा अच्छा लग रहा है। देखिए एक ये है जिसमें मैंने एक एक चूड़ी उसकी और एक ऐसे डाल दिया है, प्लस एक ये है, मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें हम ना कंगन डाल देंगे, ये तो हमारा सेट जो है वो रेडी हो जाएगा। मुझे लगता है एक बीच में कुछ डाल देना चाहिए, सो मैं देखती हूँ अपने खजाने से, चूड़ी के खजाने से, कि उसमें एक बीच में बस डाल देंगे तो मुझे लगता है गुड इनफ हो जाएगा। एक तो मैंने ये कंगन निकाले हैं सेंटर पे लगाने के लिए, प्लस इसके साथ पहले एक ये निकाला है जिस गोल्डन कलर का, जिसमें लटकन लगी हुई है, चार का सेट है। एंड ये देखते हैं कि दोनों यूज़ करना है कि एक, देखिए मैंने एक हाथ का सेट लगा के रखा है, इसका बीच का पॉइंट खाली है, तो मैं ना दोनों हाथ के सेट में अलग अलग लगा के देखती हूँ कि कैसा लग रहा है। अगर हम दोनों को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे इस बीच में ट्राई कर सकते हैं इसे लगाना। देखिए कुछ इस टाइप का लगेगा ये, अच्छा लग रहा है। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ अपना कंप्लीट करके, सेट रेडी हो गया है, अब अच्छा लग रहा है। एंड और ये मैंने करवा भर के रेडी कर लिया है, घी का दीपक भी रख दिया है, और ये पूजा का पूरा सामान, श्रृंगार का सामान सब कुछ इकट्ठे कर लिया है एक जगह पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ खाना मैंने लगभग रेडी कर लिया है, ये पूड़ियाँ प्रसाद के लिए बना ली है, खाने की तो बाद में बनाएंगे। और ये सब्जी देखिए यहाँ पे बिल्कुल एकदम रेडी भी है, और खीर भी मैंने कम्प्लीट कर ली है, बस अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साहूकार था, उसके साथ बेटी थी और एक बेटी थी।
If you guys like my video, so please give it a huge thumbs up, subscribe to my channel and also press the bell icon for more such videos. See you at next video. Till then, bye bye and take care and happy Karva Chauth to all of you.